वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस टायर टू के एग्ज़ाम के बाद। टायर टू की हालांकि अभी परीक्षा चली रही है, लेकिन टायर वन के बेसिस पर सिलेक्शन होना है, मेरिट लिस्ट उसी के बेस पे बननी है। तो मेरिट लिस्ट कट ऑफ जो है वो ऑलरेडी बना दी है एसएससी ने पहले से ही, ताकि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि किस स्टेट में क्या कट ऑफ गई है। ठीक है, या पेपर टू के फाइनल रिजल्ट आने के बाद भी कट ऑफ क्या जाएगी वो यही जाने वाली है। मिनिमम आपको टायर वन टायर टू में जो है आपको मार्क्स लाना है कम से कम यूआर कैटेगरी के लिए 35%, डेट इज़ 17.5 या 17.5 मार्क्स। ठीक है, और 33% लाना है अदर कैटेगरी को, जो कि 16.5 मार्क्स होगा। ठीक है, ये मार्क्स लाना जरूरी है। अगर ये मार्क्स आप नहीं लाते हैं तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। अगर आप टायर वन में क्वालिफाइड भी हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तब भी। ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस बार टायर टू के रिजल्ट आने से पहले ही किया जा रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं कि किस स्टेज में क्या कट ऑफ गई है। देखिए, सबसे पहले बात करें बिहार की, तो यहाँ पर गई है जनरल कैंडिडेट के लिए 132.5, यूपी में गई है 130.5, झारखंड में गई है 133.5, ओडिशा में गई है 129, वेस्ट बंगाल में गई है 129.25। ठीक है, उसी तरह फिर कर्नाटक में गई है 123, उसके बाद केरला में गई है 127, लक्षद्वीप आइसलैंड में गई है 129, उसके बाद छत्तीसगढ़ में, देखिए छत्तीसगढ़ में गई 125.25, मध्य प्रदेश में गई है 125.25, अरुणाचल प्रदेश में भी 125.25, असम में गई है 125.75, मणिपुर में गई 125.75, मेघालय में गई है 125, मिजोरम में गई 125, ये जनरल कैंडिडेट के लिए बता रहा हूँ मैं, नागालैंड में गई 125, त्रिपुरा में गई है 124। यानी ये सब टायर वन में इतने मार्क्स जिन्होंने लाए हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, टायर टू में अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो इनको जॉब नहीं मिलेगी, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में गई है 126, राजस्थान में 126, उत्तराखंड में 126, चंडीगढ़ में गई है 129, जम्मू एंड कश्मीर में 125, हरियाणा में सबसे ज़्यादा गई है 134। ठीक है, तो ये था स्टेट वाइज कट ऑफ जो कि हमने यहाँ पर बताया जनरल कैंडिडेट के लिए। आप लोग इस लिस्ट को देख सकते हैं, ओबीसी एससी एसटी वाले, ये यहाँ पर सारा लिखा हुआ है एससी। ठीक है, ये एससी के लिए है, ये एसटी के लिए है। ठीक है, ये ओबीसी के लिए है, ये एचएच के लिए, ओएच के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए है, विजुअल हैंडीकैप के लिए है। तो ये पूरा लिस्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ आप। ठीक है, थैंक यू सो मच।